सो एक पोयम, मेरे को लगा है बहुत कटा है लोगों का यहाँ पे, सब रो रहे हैं काफी देर से। तो एक शायर है या कोई कवि है जिन्होंने कहा था कि भाई मेरे बल गटे, बाप मेरे छज जाए, कि जिस दिन मरेगी मावड़ी सारा जग सूना पड़ जाए। पर ऐसा है कि माओं पे बहुतों ने लिख लिया है, पर बाप को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, तो हम थोड़ा बाप पे लेके आए हैं अपने, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू टेल हिम दैट आई एम सो प्राउड ऑफ हिम बट आई नेवर सेड हिम ऑन हिज फेस। तो कुछ लिखा है कि वो कभी किसी दर्द में नहीं कराते, कि वो कभी किसी दर्द में नहीं कराते, कितनी भी हो मुश्किल हालात पर हमें नहीं बताते। कि रहते हैं खड़े चट्टान से मेरे आगे, कि रहते हैं खड़े चट्टान से मेरे आगे, कितना ही बड़ा हो तूफान नहीं घबराते, कि कितना ही बड़ा हो तूफान नहीं घबराते। कि थोड़े से बीमार रहने लगे हैं आजकल, कि थोड़े से बीमार रहने लगे हैं आजकल, पर फिर भी मूंछों पे ताव देने से नहीं कतराते। कि होने लगा है विश्वास शायद उन्हें मुझ पे, कि होने लगा है शायद विश्वास उन्हें मुझ पे, मेरे किसी भी फैसले पर अब सवाल नहीं उठाते। कि उम्र के साथ अब बच्चे होने लगे हैं, कि उम्र के साथ अब बच्चे होने लगे हैं, कि जहां मिलता है मौका वहीं सोने लगे हैं। कि उम्र के साथ अब बच्चे होने लगे हैं, जहां मिलता है मौका वहीं सोने लगे हैं, थक गए हैं शायद अपना किरदार निभाते निभाते। कि थक गए हैं शायद अपना किरदार निभाते निभाते, आजकल तो कई ज्यादा वो बाहर भी नहीं जाते। कि जिन कांधों पे देखी थी दुनिया आज तक, वो अब थोड़ा झुकने लगे हैं। कि जिन कांधों पे देखी थी दुनिया आज तक, वो अब थोड़ा झुकने लगे हैं। वो पैर कभी दिन भर भागते थे हमारे पीछे, वो अब थोड़ा थकने और रुकने लगे हैं। अब लगता है आ गया समय उन्हें आराम देने का, उनके कंधों से जिम्मेदारियां हटानी है। अब लगता है आ गया समय उन्हें आराम देने का, उनके कंधों से जिम्मेदारियां हटानी है। कि आ गया समय दुनिया को बताने का कि उनकी मुझसे नहीं मेरी उनसे कहानी है। और अब हिंदी सुनना चाहेंगे इंग्लिश? चलो हिंदी सुना देते हैं। तो आजकल कन्वर्सेशन होती है, हम लोगों से पूछते हैं कि भाई कैसे हो, तो लाइक कहते हैं कि भाई कट रहा है, जैसे रो रहे हैं लोग, तो काफ़ी होगा कट रहा है लग रहा है मुझे, 90% कटवा के बैठे हैं। तो वैसे ही एक हमारी महिला मित्र थी, उनसे बात चल रही थी, तो पूछ रहे थे कि भाई कैसे हैं, तो कहते ज़िंदगी ख़राब है। तो उसी पर कुछ लिखा है कि ज़िंदगी ख़राब है हर शख्स का हिसाब है, ज़िंदगी ख़राब है हर शख्स का हिसाब है, लोग बोलते हैं ज़िंदगी कोरे पन्नों की किताब है, कि लोग बोलते हैं ज़िंदगी कोरे पन्नों की किताब है। तो मेरा सवाल है मेरा खुद से कि मैं लिखता जाता रोज़ क्यों, फिर खुद का सवाल देके खुद ही से जवाब दे रहा हूँ कि मैं लिखता जाता रोज़ क्यों कामयाबी की सोच से, मैं हारता भी रोज़ हूँ नाकामयाबी के खौफ से, ना अंत मेरे हाथ में, कि ना अंत मेरे हाथ में, ना मैं कोई भगवान हूँ, पर रोज़ उठ के लिखता हूँ मैं एक ज़िद्दी सा इंसान हूँ। और ये कोई प्यार मोहब्बत से जुड़ा नहीं है, एक टाइम होता है जब बहुत लो फेज आता है, लॉकडाउन में बहुतों के साथ आया होगा, कि आपके पास बहुत पोटेंशियल है पर आप कुछ कर नहीं पाते, हालात ऐसे होते। तो उसी पे एक लिखा था कि कुछ बात दबाए बैठा हूँ, कुछ बात दबाए बैठा हूँ, जज्बात छिपाए बैठा हूँ, कोई देख न ले इस हाल में हर दर्द समाए बैठा हूँ। कि कुछ बात दबाए बैठा हूँ, जज्बात छिपाए बैठा हूँ, कोई देख न ले इस हाल में हर दर्द समाए बैठा हूँ, मेरी यादों का एक दरिया है, कि मेरी यादों का एक दरिया है, टूटी सी मेरी कश्ती है, मैं लाख संभालू खुद को मगर डूबती जाती मेरी हस्ती है। है तूफानों का खौफ नहीं, है तूफानों का खौफ नहीं, सीने में आग लगाए बैठा हूँ, तू लाख डराए मुझको मगर मैं जुनून जगाए बैठा हूँ, कुछ बात दबाए बैठा हूँ, जज्बात छिपाए बैठा हूँ, कोई देख न ले इस हाल में हर दर्द समाए बैठा हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू बीइंग अ लवली ऑडियंस। सुधांशु देसाई।